अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोगों ने मुझसे अपनी मॉर्निंग रूटीन का वीडियो बनाने के लिए कहा है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी सुबह कैसी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे कोऑपरेट कीजिए और वन टाइम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं इस वीडियो के बारे में तो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए, मैं जब सुबह 5:30 बजे उठती हूँ तो मैं अपनी खिड़की खोल कर देखती हूँ तो देखिए कितना ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही फ्रेश एयर आ रही है और बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल और बहुत ही ज़बरदस्त। तो उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो मैं अपने सारे काम शुरू कर देती हूँ। मुझे सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे सुबह देर तक सोना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो देखिए, ये सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जहाँ पर हमारे सर्वेंट्स रहते हैं, और साथ ही देखिए सर्वेंट्स ने इन खास को यानी फैंस को बाहर छोड़ दिया है। और ये जैसे ही बाहर निकले तो इन्होंने किस तरह से किया, देखिए, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं अब यहाँ। और ये मुर्गियों के साथ निकल गए। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपको यहाँ डर नहीं लगता क्या। हाँ, पहले ज़रूर डर लगता था, शुरुआत के 6 महीने बहुत डर लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। पहले हम सिटी में ही रहते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस तरह से खेत में रहना बहुत पसंद था तो उन्होंने यहाँ पर घर बना लिया और उसके बाद हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए। शुरुआत में डर लगा लेकिन अब आदत हो गई है और अब यहीं पर अच्छा लगता है, सिटी में अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, ये जो सर्वेंट्स हैं इन्होंने भैंसें वगैरह धोनी शुरू कर दी और सफाई का काम शुरू हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो मैं मॉर्निंग में हर रोज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे अच्छे झाड़ हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल है, तो मैं आपको एक एक करके ये बताती हूँ। देखिए, जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह उठने के बाद मैं कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के कुछ पत्ते खाती हूँ। हर रोज़ एक प्लांट के पत्ते खाती हूँ जो कि मेडिसिनल होते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी इंशाल्लाह मेरे आगे के वीडियोस में भी। तो देखिए, जैसे ही सुबह होती है मैं घर में से निकल कर जब मेरे आंगन में आती हूँ तो यहाँ पर कई सारे झाड़ हैं और इन झाड़ों में से मैं आज आपको एक सिंपल वाला झाड़ जो कि हर घर में बहुत सारे घरों में होता है अक्सर, ये जाम है का झाड़ है। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये जाम के इस तरह के दो कौले पत्ते मैं हर रोज़ खाती हूँ। इससे होता क्या है, बहुत सारे पेट के प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, इसमें लाइकोपिन बहुत होता है तो ये बहुत सारे कैंसर्स को रोकता है और ये एंटी कैंसरस भी होता है और ये पेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और ये हिबिस्कस का फूल है यानी जसवंत का फूल है। ये हमारी अम्मी बचपन में ये हिबिस्कस के यानी जसवंत के फूलों को छांव में सुखा कर नारियल तेल में डालकर सर पर लगाया करती थी, इससे बाल घने और लंबे होते हैं। तो देखिए, ये जो हिबिस्कस का फूल है, ये एक ही झाड़ पर दो किस्म के फूल आए हैं। मैं ये वाला फूल नहीं लूँगी, बस लाल रंग वाले यानी रेड कलर के मैं फूल ले रही हूँ। इन फूलों का मैं पैक बनाऊँगी। इन फूलों, अगर आपके पास इस तरह के फ्रेश फूल ना मिले तो आप सिंपली बाज़ार से इसका जो पाउडर है वो ख़रीद सकते हैं। इसका पाउडर किसी भी आपको दुकान पर मिल सकता है, आप ज़रूर लें और इसको यूज़ करें। तो आप इन फूलों को, अगर मेहंदी अपने सर में लगा रही हैं तो इन फूलों को पीस कर या इन फूलों का पाउडर आप मेहंदी में डालकर लगाएं, बाल बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे रहते। तो देखिए, फूल तोड़ने के बाद इस तरह से इसे झटक लीजिए ताकि सारे कीड़े वगैरह इससे निकल जाएं। तो हमने इसे झटक लेना है और झटक कर फिर इसको एक बारीक पीस लेना है। हिबिस्कस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लेकिन आप इसे सर पर लगाने के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। देखिए, अब मैंने इसको पीस लेना है, इसकी टी भी बनाते हैं जो भी जिसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए, इसको मैंने पीस लिया, अब मैं इसे लगाऊंगी और नाश्ता होने के बाद मैं सर धो लूँगी, यानी आधे से एक घंटे के बाद मैं सर धो लूँगी, तो काफ़ी बालों के लिए बेनिफिशियल है ये पैक। अब देखिए,
बच्चे के टिफ़िन बनाने के लिए बेटी रोटी बना रही है, वो रोटी बहुत अच्छी बनाती है। और उसके साथ ही मैं साथ में चटनी बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी चटनी है लेकिन मेरे बेटे को टिफ़िन में बहुत पसंद है। ये आलू और टमाटर मैंने लिए, आलू को मैं बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी और ये टमाटर मैंने पीस लिए। अब कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया और उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जितना ज़ीरा डाल दूँगी। और ज़ीरा डालने के बाद इसे थोड़ा सा फ्राई कीजिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और फिर उसके बाद 1.5 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। और अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। फिर उसके बाद थोड़ा सा टमाटर पेस्ट डाल दिया मैंने ताकि लाल मिर्च ना जले। और फिर उसके बाद ये सारा टमाटर पेस्ट हमने इसमें डाल दिया, डालकर फिर मैं इसे पका रही हूँ। और जब तक ये पकता है हम आलू फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी चटनी है। उसके बाद नमक डाल दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आती है, मेरे बच्चों के साथ साथ बच्चों के दोस्तों को भी बहुत पसंद है ये। अब देखिए मैं तब तक आलू फ्राई कर लेती हूँ। आलू को देखिए मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है, छिलका उतार लिया, फिर उसके बाद कट कर लिया। कट करने के बाद फिर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में। इसे आप क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए, ये बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है या चटनी है। इसे क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए। क्रिस्पी फ्राई होने के बाद इसे अच्छी तरह से तेल में से निकाल लीजिए, तेल पूरा अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। और उसके बाद चटनी में आप 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालिए, या फिर अगर आपके पास मैजिक मसाला मिलता है तो बच्चों को मैजिक मसाला भी बहुत पसंद आता है तो मैजिक मसाला डाल सकते हैं आप इसमें। और गैस बंद कीजिए, और फिर गैस बंद करने के बाद आप इसमें तले हुए आलू डालिए। आप पहले आलू ना डालिए वरना क्या होता है आलू नरम हो जाते हैं। इस तरह से क्रिस्पी आलू इस चटनी के साथ बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद ऊपर से हरा धनिया डालिए। तो यह हमारी सिंपल सी चटनी तैयार हो गई है बच्चे के टिफ़िन के लिए। तो मैं अब इसे टिफ़िन में डालती हूँ। तो मैं देखिए अक्सर स्टील का ही टिफ़िन यूज़ करती हूँ, मैं कभी भी प्लास्टिक टिफ़िन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी नुकसानदेह होता है बच्चों के लिए। तो हमने बिल्कुल प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, स्टील का टिफ़िन सबसे बेस्ट है। अब मैंने चटनी डाल दी और फिर ये रोटियाँ, और उसके बाद हमने ये डाल देने हैं, ये जो मैंने एनर्जी बिस्किट बनाया है वो एनर्जी बिस्किट मैंने इसमें डाल दिए। इससे इसमें काफ़ी सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये एनर्जी बिस्किट। इसका भी वीडियो मैंने लास्ट अपलोड किया है, उसे भी देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने ये टिफ़िन बच्चे के लिए दे दिया और अब 7 बज गए हैं, बिल्कुल टिफ़िन तैयार है। अब मेरा बेटा स्कूल चला जाएगा। उसके बाद मैं ये खिचड़ी बना रही हूँ, ये तुअर की दाल की खिचड़ी है, ये सुबह बहुत अच्छी लगती है। तो कुकर में मैंने तेल डाल दिया, उसके बाद मैं इसमें प्याज डालकर फ्राई कर रही हूँ। प्याज को थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। ये खिचड़ी मैंने अपनी सास से सीखी है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। और उसके बाद हम इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे और ये सुबह झटपट बनने वाली मज़ेदार सी खिचड़ी है। उसके बाद हम देखिए इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं, हल्दी को भी फ्राई होने दीजिए। और उसके बाद देखिए मैं इसमें 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ, और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया। ये जो आवाज़ें हैं ये हमारे सर्वेंट की वाइफ के हैं, वो अक्सर अपने हस्बैंड से झगड़ा किया करती है। तो उसके बाद देखिए हमने नमक डाल दिया और अब मैं यहाँ पर 1/2 ग्लास तुअर की दाल को धो लूँगी। ये तुअर की दाल की खिचड़ी है तो ये तुअर की दाल की तुअर को हमने अच्छी तरह से धो लेना है। और उसके बाद 1.5 ग्लास चावल हमने धो लेना है। अब मैं इस तुअर की दाल को इस पानी में डाल दूँगी और फिर कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे 1 सीटी होने तक उबाल लेंगे। यानी 1 सीटी होने तक ही हमें इसे पकाना है, हमें इसे कंप्लीट पकाना नहीं है, हमने सिर्फ इसमें तुअर की दाल डाली है। बस 1 सीटी हो गई, 1 सीटी होते ही आप गैस बंद कीजिए। और गैस बंद करके हमने ये ढक्कन खोल दिया और ढक्कन खोल कर हम अब इसमें चावल डाल देंगे। जो धोए हुए 1.5 ग्लास यानी 1.5 ग्लास चावल थे वो मैंने इसमें डाल दिए, और डालकर कुछ देर खुला ही पका लेंगे हम।
और कुछ देर खुला पकाकर देखिए जो दाल है वो किस तरह पहले गल गई थी, देखा आपने। यानी ये आधी गली हुई दाल है जिसमें कि हमने चावल डाले थे। तो कुछ देर खुला ही पकाइए जब तक कि पानी सूख नहीं जाता, मतलब टोटली नहीं, बस थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। और जब पानी सूखने के करीब हो तब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और फिर ढक्कन लगाकर 3 सीटी होने तक पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये खिचड़ी कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ, गर्म गरम गरम ही इसे सर्व कीजिए। कुछ लोग तो इसे बहुत पतली बनाते हैं, यानी पानी अगर 4 गिलास के बजाय 5 गिलास भी डाला जाता है। और अब बेटी अंडे तलने के लिए तेल गरम कर रही है और उसके बाद इसमें बेटी ने अंडे फ्राई किए। बस मुझे ये सिंपल वाले अंडे बहुत पसंद है, तो मैं इसमें बस नमक और काली मिर्च डालती हूँ। तो ये अंडे भी हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम नाश्ता करते हैं। तो चलिए, मैंने आज जो है ऊपर गैलरी में नाश्ता निकलवाया है, तो देखा आपने, हम अब शुरू करते हैं। और इसके साथ मेरी एक फेवरेट चीज़ है ये एनर्जी बिस्किट्स, या जो मैंने ओट्स और बार्ली के रोट बनाए हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। वो हमारे पास फैमिली में सभी को पसंद है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। और जब ये रोट होते हैं या फिर ये एनर्जी बिस्किट्स होते हैं तो मुझे कुछ और ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज़ मुझे और कई सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। तो ये जो रोट है दूध के साथ भी और ऐसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप एक रोट खा लेंगे या फिर एक ये एनर्जी बिस्किट खा लेंगे तो आपको 12-1 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। और ये वाला जो मेरा अचार है, फेवरेट अचार, इसका भी मैंने वीडियो आपके अपने चैनल पर डाला था। देखिए वीडियो के टाइम पर जो अचार बनाया था वो अभी तक ऐसे ही चल रहा है। और अब हम नाश्ता शुरू कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू किया। तो देखिए ये जो रोट है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, यानी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसमें ओट्स, बार्ली, सभी चीज़ें यूज़ की हैं। आप इन्हें घर पर बनाकर ज़रूर रखिए, महीना भर तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते, आपको नाश्ते में बहुत आसानी हो जाएगी। इसे दूध के साथ खाइए या फिर किसी भी चीज़ के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखिए ये जो खिचड़ी है तुअर की दाल की, आप इसको जितना चाहें उतना नर्म कर सकती हैं, लेकिन मुझे इस तरह की ही खिचड़ी पसंद है। अब इस पर आप देसी घी डालकर खाइए तो खिचड़ी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये देसी घी के साथ ये खिचड़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। साथ में ये जो चटनी मैंने बच्चे के टिफ़िन के लिए बनाई थी वो चटनी है, अचार है और ये खिचड़ी है। बस ये मेरा सिंपल सा नाश्ता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अपनी राय हमारे इस रूटीन के बारे में ज़रूर लिखिए। देखिए नीचे मुर्गियाँ भी अपना दाना चुग रही हैं। मेरी बेटी इस तरह से चॉकलेट शेक बनाती है, वो चॉकलेट को पहले फ्रीज़ कर लेती है शेक बनाकर, और फिर उसके बाद उसमें दूध डाल कर ले लेती है। देखिए स्वैंस की भी आवाज़ें आ रही हैं बीच बीच में। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ किसी ना किसी जानवर की आवाज़ आ जाती है, तो मैं मुझे वो फिर से डिलीट करना पड़ता है। तो अभी तो आवाज़ें बहुत आ रही हैं। तो देखिए कैसा लगा मुझे मेरा रूटीन, आपको आप ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबास बेस्ट क्लासेस।